नंबर टू है सेकंड क्वेश्चन, शो दैट द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई प्लस फोर वाई स्क्वायर, ऐसी लाइंस है आर को इंसिडेंट, ये लाइंस कैसी है को इंसिडेंट या शो करके बताओ। तो आप ये क्वेश्चन पढ़े हो ना, तो बस आप अपने मन से करोगे करो, तो बताओ ये ऐसा ही सेम इक्वेशन है, बस यहाँ पे क्या था, शो दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब जब हमें परपेंडिकुलर शो करना था तो पहले कंपेयर कर लेना स्टैंडर्ड फॉर्म से, ये होमोजीनियस सेकंड डिग्री में ए की फाइव टू एच की माइनस ट्वेंटी बी की माइनस ट्वेंटी, एच की निकाल लेना। फिर हमें पूछा था परपेंडिकुलर है ये शो करो, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। तो फिर आप क्या करना, ए प्लस बी का आंसर भी करना, ए की फाइव बी की माइनस फाइव जीरो आ गया, इसका मतलब ए प्लस बी इक्वल टू जीरो इस प्रॉब्लम में है, यानी लाइन्स पर का मतलब वैसा ही इसमें, इसमें शो करो कि लाइन्स में इसी कोइंसिडेंट। अब कोइंसिडेंट की कंडीशन क्या है, कोइंसिडेंट की कंडीशन है ए स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो। तो पहले क्या लिखना, गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन जैसा उसमें लिखा एक्स स्क्वायर फोर एक्स वाई फोर वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, फिर कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर टू एच एक्स वाई डी वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वन के साथ ए रहता है, ए कितना है वन, एक्स वाई के साथ कौन रहता है टू एच, तो कौन है फोर, एच की वैल्यू कितनी है टू डिवाइड टू, वाई स्क्वायर के साथ थ्री है कौन है फोर, तो हो गया। अब देखो वी नो दैट, ये वी नो दैट अगर मेरे का कुछ मेन सेंटेंस है, कंडीशन फॉर को इंसिडेंट लाइन्स इज एक्स स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू जीरो, यानी अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए बी का कैलकुलेशन करके अगर आंसर जीरो आता है तो इसका मतलब लाइन्स कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट यानी एक के ऊपर एक ऐसे। तो चलो चेक करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी एच कितना है टू, ये आया था ना फोर बाय टू, तो उसका स्क्वायर माइनस ए कितना है वन, बी कितना है फोर, टू स्क्वायर फोर, वन इंटू फोर फोर, फोर माइनस फोर जीरो, बताओ एक्स स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर कितना है जीरो, इसका मतलब लाइन्स कैसी है कोइंसिडेंट, देयरफॉर गिवन लाइन्स आर कोइंसिडेंट, यानी गिवन लाइन्स कैसी है। बताओ अगर इसमें ये पूछा होता तो स्टेट वेदर, वेदर व्हाट इज, क्या होता यानी वेदर है या नहीं, यानी मैंने क्या बोला था कि परपेंडिकुलर है या नहीं, कोइंसिडेंट है या नहीं, तो भी मेथड तो यही रहेगी सेम पूरा, पहले गिवन इक्वेशन कंपेयर करो, ये बेस निकालो, कंडीशन तो ये है भाई कोइंसिडेंट की वैल्यू पुट करो, अगर जीरो आया तो ये, और अगर जीरो नहीं आया मान के चलो अगर यहाँ पे आंसर सपोज एट आ गया, सपोज तो यहाँ पे क्या लिखा पता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी नॉट इक्वल टू जीरो, एक लाइन ज्यादा भी बढ़ जाती है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर जीरो नहीं आया, इसका मतलब गिवन लाइन्स आर नॉट कोइंसिडेंट, ऐसे ही यहाँ पे बढ़ जाते हैं, अगर ए प्लस बी जीरो नहीं आया क्या लिखते हैं, सिंस ए प्लस बी नॉट इक्वल टू जीरो देयरफॉर गिवन लाइन्स आर नॉट परपेंडिकुलर, बस इतना होता है। तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपके लिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे प्लस ले लेता हूँ और आपको वही क्वेश्चन है, शो दैट द गिवन लाइन्स आर परपेंडिकुलर, देखो सेम सेम ये क्या करते हैं, ए की फाइव टू एच माइनस ट्वेंटी, बी की कितनी प्लस फाइव, ठीक है, बी कितना है प्लस फाइव, कंडीशन हमें पता है, आपको क्वेश्चन पूछा है परपेंडिकुलर है क्या, कंडीशन है ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, ए प्लस बी बोलो, ए प्लस बी फाइव प्लस फाइव कितना है टेन, अब क्या लिखना, ए प्लस बी का आंसर टेन आया यानी ए प्लस बी का आंसर जीरो नहीं है, ऐसा लिखना, जीरो नहीं है ना, देयरफॉर गिवन लाइंस आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये हो गया नया क्वेश्चन तीसरा हो गया। अब चौथा, ठीक है, कैसे, मैं यहाँ पे जैसे प्लस फोर एक्स वाई, मैं इसको क्या कर देता हूँ माइनस फोर एक्स वाई कर देता हूँ, अब बताओ ये माइनस फोर, हाँ ये सॉरी ये माइनस फोर,
तो 2x की वैल्यू कितने की है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 4, 2x की वैल्यू माइनस 4, 2x की वैल्यू माइनस 4, तो h की वैल्यू कितनी होगी माइनस 2, ये 2 ने डिवाइड किया माइनस 2 हो गए, नहीं तब ये रूट नहीं आएगा, तब ये इतना है, मुझे चेंज करना पड़ेगा यहाँ, इसको चेंज करना पड़ेगा, है ना, ये माइनस माइनस, तो बोलो b की वैल्यू कितनी माइनस 4, चलो शुरू करते हैं, ये नहीं अरे पेचन को बदलना पड़ेगा, पेचन तो बदला ही नहीं, पेचन क्या है शो दैट नहीं, पेचन क्या है स्टेट whether the lines represented by are perpendicular to each other, ये whether का मतलब क्या है perpendicular है या नहीं ऐसा मतलब, और इसका पेचन बदल देता हूँ क्या स्टेट whether the lines represented by are coincident, यानी coincident है या नहीं ऐसा उसका मतलब है, टेक्निक वही 2h की माइनस 4, h की माइनस 2, b की वैल्यू माइनस 4, कोइंसिडेंट है क्या नहीं बोला ये कंडीशन है, चलो वैल्यू पुट करो, h कितना आ रहा है माइनस 2, उसका क्या करना है स्क्वायर, माइनस a कितना है 1, b कितना है माइनस 4, ये कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, नेगेटिव का स्क्वायर प्लस 4, 1 का 4 प्लस 4 माइनस माइनस कितना है 8, अब बताओ ये स्क्वायर माइनस बी का आंसर क्या है, हमें कितना चाहिए 0, तो यहाँ पे ऐसा लिखना कि ये स्क्वायर माइनस ए बी का आंसर 0 नहीं है, देयरफॉर गिवन लाइंस आर नॉट कोइंसिडेंट, हो गए दो नए क्वेश्चन बन गए, बस ये थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करने से एक सिर्फ थोड़ा सा लिखना पड़ता है कि है कि नहीं, वो शो दैट बोला तो फिर 0 जाना चाहिए, शो दैट बोल दिया कि वो 0 ही आना चाहिए दोनों में, और अगर बोला कि स्टेट है कि नहीं अब गारंटी नहीं, अब हो भी सकता नहीं, जीरो आया तो बोलना परपेंडिकुलर, नहीं आया तो बोलना कि नहीं, और नहीं आया तो कैसे लिखना, ऐसे लिखना कि सर जीरो नहीं है और आगे जीरो होता तो लिखते परपेंडिकुलर ऐसा, तो ये और दो क्वेश्चन आपके बन चुके हैं, ठीक है करो।